अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड ऑन्टन्योर्स हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की और मार्केटिंग में हमने बात की थी कि मार्केटिंग क्या है क्रिएटिंग अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद योर कस्टमर यही एजेंडा इस वीडियो का यानी हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की आपने अपने और अपने बिजनेस और अपने कस्टमर के दरम्यान में एक रिलेशनशिप डिवेलप करना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने अपने बुक में जो दी है वो आपसे शेयर कर लेते हैं द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सैटिस्फैक्शन अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो उसके कॉम्पोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप और आपके कस्टमर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप डिवेलप हो और चूंकि ये बिजनेस है सो so रिलेशनशिप को प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए लेकिन इट्स इट मस्ट बी टू वे प्रॉफिटेबल यानी आपको प्रॉफिट आ रहा हो आप अपनी वैल्यू एंजॉय कर रहे हो और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो कस्टमर के पास भी कुछ ऐसी चीज़ जानी चाहिए जिससे वो खुश हो जिसको वो वैल्यू कर रहा हो कोई कस्टमर प्राइस को वैल्यू कर रहा हो तो वो प्राइस से खुश होना चाहिए कोई कस्टमर डिज़ाइन को वैल्यू कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन से खुश हो कोई कस्टमर क्वालिटी को वैल्यू कर रहा हो तो वो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से खुश हो सेटिस्फाई हो तो सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखें तो दो ही मेजर इसके ब्लॉक्स बनते हैं दो ही मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं इसके सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है दैट इज डिलीवर कस्टमर वैल्यू कस्टमर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाती है यानी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग योर प्रोडक्ट तो मेरे जहन में आपकी प्रोडक्ट को लेके कोई ना कोई वैल्यू कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है और प्लस मैं इसको कंपेयर कर रही हूँगी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स से या कंपेटिटर्स इस तरह के जितनी भी प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे कंपेटिटर्स की अवेलेबल होंगी मैं उनसे कंपेयर कर रही होंगी सो वो मुझे क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं क्या वो डिज़ाइन या प्राइस या, या क्वालिटी या कोई और ऐसा फीचर जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो सकती हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं और प्लस आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं सो so, अगर मुझे ये लगता है कि आपकी वैल्यू ज्यादा आप जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं जो प्रॉमिस आप ऑफर कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है तो ही मैं आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका एक्सपीरियंस आपसे बाय करूंगी कस्टमर प्रसिव्ड वैल्यू की डेफिनेशन फिलिपकॉर्ट ने अपनी किताब में क्या दी है द कस्टमर्स इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ अ मार्केटिंग ऑफर रिलेटिव टू दोज ऑफ कंपीटिंग ऑफर्स यानी मेरे नज़दीक बींग अ कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सपीरियंस की वैल्यू तब होगी जब वो आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट से बेहतर होगी तभी मेरा आपसे एक रिलेशनशिप डेवलप होगा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्डिंग ब्लॉक में वो क्या है डिलाइट योर कस्टमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन जिसको कहा जाता है अब तो कहा जाता है डिलाइट योर कस्टमर तभी कस्टमर का और आपका एक रिलेशनशिप बिल्ट होगा अच्छा कस्टमर को डिलाइट किस तरह से किया जाता है नंबर वन कस्टमर आपसे तभी खुश होगा जब एक वो आपकी प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करेगा तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो प्रोडक्ट है या वो अपनी फैमिली के साथ कहीं खाना खाने के लिए आए या से कहीं सैर करने के लिए गया है या आपसे वो कोई इन्फॉमेसन ले रहा है अगर उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है तो वो खुश होगा और आपके साथ अगेन दोबारा कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना चाहेगा नंबर टू अगर आप उसको कस्टमाइजेशन ऑफर करेंगे पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करेंगे मिसाल के तौर पे खास तौर पे जो एक्सपीरियंस बेचते हैं जिस तरह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी या जो इंफॉर्मेशन सेलिंग होती है जिसमें खास तौर पे लॉयर्स अगर आप कोई अपना लॉ कंसल्टन की एक फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आपका और आपके कस्टमर के दरम्यान में एक पर्सनलाइज कम्युनिकेशन का चैनल हो और वो ट्रस्ट भी हो कस्टमर आपसे खुश होगा और दोबारा आपके पास जरूर आएगा आपकी इंफॉर्मेशन परचेज करने के लिए कस्टमर का फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसा ना हो कि आपने कस्टमर को बस प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की है और उसके बाद आप कस्टमर से छुपते फिर रहे हैं अगर आपने कस्टमर को चीज बेची है या सर्विस बेची है मेक इट श्योर अगर आपने उसके साथ कुछ प्रोमिस किए हैं कि इसकी एक साल की या दो साल की या तीन साल की वारंटी होगी इस प्रोडक्ट की तो मेक इट श्योर कि कस्टमर आपके पास आ रहा है फीडबैक लेकर आ रहा है कोई कंप्लेंट लेकर आ रहा है तो आप उस कंप्लेंट को एड्रेस भी कर रहे हैं याद रखिए कस्टमर जितना बेहतर तरीके से इंटरटेन होता है कंप्लेंट के बाद उतना ही ज़्यादा लॉयल हो जाता है आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस के साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग उसको जानिए जब डिस्काउंट्स ऑफर हो तो उसको एसएमएस कीजिए जब आपको मालूम हो कि आपका कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है तो उसको कोई स्पेशल मेंबरशिप कार्ड ऑफर कर दें मेक इट श्योर कि आपका और उसका एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाए और उसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कम्युनिटीज़ हैं तो उन कम्युनिटीज़ को इंजॉय कीजिए और कोशिश करें कि आपका कस्टमर भी उस कम्युनिटी को इंजॉय करें कम्युनिटी को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उस कम्युनिटी में अपने प्रोडक्ट की जो रीच आउट है वो बढ़ा देते हैं अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं Uh, जो कि लोगों ने डेवलप कर ली हुई है और आप उन कम्युनिटीज को जाके ज्वाइन करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं एक वर्ड ऑफ माउथ सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दो ही इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नंबर वन ऑफर द गुड वैल्यू एंड नंबर टू डिलाइट योर कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है आप किस तरह के कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे क्या आपको हर तरह के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है फिलिप कॉटलर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दिया है जिसमें उन्होंने दो बेसिस ऑफर की हैं वन द पोटेंशियल प्रॉफिट एंड नंबर टू द प्रोजेक्टेड लॉयल्टी यानी एक कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट और कितनी लॉयल्टी ऑफर कर सकता है उस हिसाब से उन्होंने चार क्लासिफिकेशंस बताई हैं कस्टमर्स की स्ट्रेंजर्स बटरफ्लाइज ट्रू फ्रेंड्स एंड बार्निकल्स सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेंजर्स की कैटेगरी की तरफ स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं स्ट्रेंजर्स वो हैं जो कम प्रॉफिटेबल हैं और कम लॉयल भी हैं यानी स्ट्रेंजर्स एक ऐसा कस्टमर है जो जो आपकी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है उसने वन से पौने टाइम आपकी कोई प्रोडक्ट बाय कर ली है या अपना इंटरेस्ट शो कर लिया है लेकिन बेसिकली उसको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो ना तो वो आपके साथ लॉयल हो सकता है ना वो आपको प्रॉफिट ऑफर कर सकता है सो उनके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप इस तरह के कस्टमर्स के पीछे मत भागें डू नॉट इन्वेस्ट एनी थिंग इन स्ट्रेंजर्स फिर आते हैं कस्टमर क्लासिफिकेशन में बटरफ्लाइज की तरफ ये वो कस्टमर्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल तो ज़रूर होते हैं लेकिन लॉयल नहीं होता है इनको प्रोडक्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है लेकिन ये किसी न किसी वजह से आपके की प्रोडक्ट एक दफ़ा बाय करेंगे फिर उसके बाद किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बाय करेंगे फिर किसी तीसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बाय करेंगे यानी इन अदर वर्ल्ड ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप डिस्काउंट लगाएंगे तो वो आपके पास आके प्रोडक्ट बाई करेंगे अगर इनको एक कुर्ता ख़रीदना है तो जिस भी दुकान पर जिस भी ब्रांड पर डिस्काउंट अच्छी होगी वहाँ जाएँगे और वहाँ से अपनी परचेज कर लेंगे सो दे आर पोटेंशली प्रॉफिटेबल बट दे आर नॉट लॉयल ज़रूरत है लेकिन बाहर हाल वो आपके साथ लॉयल नहीं है ऐसे कस्टमर्स के साथ आपने रिलेशनशिप जो मेंटेन करना है वो क्या है एक ही दफ़ा में जितना इनके साथ बेहतर आप जितना इनसे आप प्रॉफिट निकलवा सकते हैं वो आप निकलवा लें जितनी दफ़ा आप एक उनको एक बल्क में एक अच्छी ऑफ़र कर सकते हैं वो ऑफ़र कर लें और उसके बाद ट्राई टू यू नो कैप्चर एज मच ट्रांजेक्शन एज यू कैन लेकिन आप उनको लॉयल नहीं बना सकते फिर आ जाते हैं ट्रू फ्रेंड्स की तरफ ये प्रॉफिटेबल भी हैं और ये लॉयल भी हैं और ऐसे ही कस्टमर्स आपको चाहिए होते हैं इसीलिए तो उसको ट्रू फ्रेंड्स कहा जा रहा है अच्छा ट्रू फ्रेंड्स क्या है इनको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है देर इज़ अ स्ट्रॉग फिट बिटवीन योर ऑफ़र एंड देयर नीड ऐसे ही कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ऐसे ही कस्टमर्स होते हैं जिनको आप डिलाइट करते हैं जिनको आप बेहतर मार्केट ऑफरिंग्स करते हैं और आप इन्हीं कस्टमर्स को रिटेन भी करना चाहते हैं और इन्हीं के साथ ग्रो भी करते हैं तो बेसिकली यही वो कस्टमर्स हैं जिनके साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है फिर आ जाते हैं बार्निकल्स की तरह बार्निकल्स लॉयल तो हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है इन अदर वर्ल्ड बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे Uh, आपको बताएंगे कि जब आप जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे या आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे हम ज़रूर आएंगे आपसे चीज़ ख़रीदने के लिए लेकिन बेसिकली वो आपकी चीज़ ख़रीदते नहीं है दे आर लॉयल्स बट दे आर लीज इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट इन अदर वर्ड्स आपकी और उनके दरम्यान यानी कि आपकी प्रोडक्ट और उनकी नीड के दरम्यान में रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉग नहीं होता दे कुड बी प्रॉब्लमेटिक एज़ वेल वो आपसे डिमांड्स बहुत करेंगे आप उनकी डिमांड पता चले कि पूरी करने के लिए बहुत कस्ट हाईली कस्टमाइज सर्विसेस देने के लिए तरफ चल निकले हैं और बाद में पता चला कि उन्होंने बताया कि जी हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है बहुत शुक्रिया सो दे कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ऐसे प्रॉब्लमेटिक कस्टमर्स के लिए कहा जाता है फायर यानी आप ऐसे कस्टमर्स को छोड़ दें जो आपके साथ लॉयल्टी बहुत ज़्यादा शो करे लेकिन आपको बिजनेस ऑफर ना कर रहे हो सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके बिजनेस को ग्रो करती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही होती है जो आपके बिजनेस ग्रोथ के अंदर आपकी कस्टमर बेस के अंदर आपके साथ साथ चलती है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो